छत्रपति संभाजी महाराज संबेश्वर में सिर्फ 100 भालाधारियों के साथ देसाई के महल में हैं। ऐसा मौका हाथ से छूटने न पाए, ये खबर किसी गद्दार ने मुकरब खान को बता दी। पैनालगढ़ के बाजू से 5,000 की फौज लेकर मुकरब खान निकला छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार करने। पैनालगढ़ में थे सर सेनापति मालोजी घोरपड़े, उनको इस बात का पता चला। सिर्फ 500 मराठों को लेकर निकले मालोजी, 500 मराठों को लेकर दौड़ रहा मालोजी मुकरब खान के 5,000 सैनिकों को काटने, और जोर से गर्जे मालोजी बाबा, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय छत्रपति संभाजी महाराज, आक्रमण करो दुश्मन पर, आक्रमण करो दुश्मन पर, काट डालो सबको। संभेश्वर में 5,000 मुगलों के साथ युद्ध शुरू। एक एक मराठा शेर की तरह टूट पड़ा मुगलों पर और काटना शुरू कर दिया। अरे खुद 60 वर्ष का मालोजी, अरे खुद 60 वर्ष का मालोजी, दोनों हाथों में तलवारें लेकर मुगलों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। जो भी सामने आता सीधा चीर डालते। खून के फवारे, मांस के टुकड़े, लग गया लाशों का ढेर। ऐसे लड़ता है मालोजी। मालोजी की तलवार के सामने जो भी मुगल आया जिंदा वापस नहीं गया। मुकरब खान ने मालोजी का पराक्रम देखा और चिल्लाया, सबसे पहले इस बुड्ढे पर लगाम डालो, सबसे पहले इस बुड्ढे पर लगाम डालो। और उसी समय चारों तरफ से मुगल सैनिक आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कौरवों के बीच में अभिमन्यु फंस गए, वैसे ही मालोजी मुगलों के बीच में फंस गए। मालोजी के दोनों हाथों में तलवार और मुगलों ने एक साथ वार किया। मालोजी बाबा ने दोनों तलवारों से वार को रोका और घुटने के बल नीचे बैठ गए। अरे 60 वर्ष का बुजुर्ग शरीर, अरे 60 वर्ष का बुजुर्ग शरीर, एकाएक जोश में आया और जोर से उद्घोष किया और चिल्लाए, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, और पूरा जोर लगाया। नंगी तलवार घुमाई और निकल पड़े खून के फवारे। दूसरी तलवार चली, मुगलों की गर्दन काट डाली। वो जोश अलग, वो आवेश अलग। मालोजी बाबा का पराक्रम देखकर समझ में आया शेर कैसा होता है। मालोजी लड़ रहे थे शेर की तरह, पूरी ताकत के साथ। मालोजी ऐसे मानेगा नहीं, मुकरब खान ने एक योजना बनाई। तीर कमान चलाने वाले को बुलाया और छुप कर मालोजी पर वार किया। तीर लगा मालोजी के बाएं हाथ पर और तलवार छूट गई। दूसरा तीर निकला और दूसरी तलवार छूट गई। अरे मालोजी निशस्त्र हो गए, अरे मालोजी निशस्त्र हो गए। एक साथ मुगल टूट पड़े कुत्तों की तरह। शरीर की एक भी जगह नहीं छोड़ी जहां वार नहीं किया हो। खून से लथपथ मालोजी मिट्टी में गिर गए। आखिरी सांस छोड़ी, आंख झुकी, होठ हिले, उन आखिरी सांसों में मिट्टी ऐसे उड़ी और उड़ती हुई मिट्टी से कहते हैं मालोजी, कह दो मेरे संभाजी राजा से, मालोजी चला गया। मिट्टी में मरा, पर सिर्फ मिट्टी में नहीं मरा, मिट्टी के लिए मरा। मिट्टी में मरने वाले बहुत होते हैं, मिट्टी में मरने वाले बहुत होते हैं, पर मिट्टी के लिए मरने वाले सिर्फ सनातनी होते हैं। ये कहते गए मालोजी, ये कहते गए मालोजी, और मालोजी नाम का वीर चला गया। किसके लिए? अपने सनातन धर्म के लिए। किसके लिए? अपने शंभू राजा के लिए। जय छत्रपति संभाजी महाराज, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मालोजी बाबा, जय माँ भवानी।